राजवीर जनहित संगठना के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान उर्फ रमूक के नेतृत्व में मनपा आयुक्त एवं प्रशासक प्रवीण आष्टीकर को निवेदन सौंपा गया। रहमत खान उर्फ रमू ने निवेदन में बताया है कि मुस्लिम बहुल पश्चिम परिसर में वैसे तो आए दिन समक्ष नेतृत्व के अभाव में समस्याओं का अंबार लगा रहता है, परंतु गरीब मुस्लिम बच्चों के शैक्षणिक भविष्य को लेकर आवाज बुलंद करते हुए राजवीर संगठना के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान उर्फ रमू ने मुस्लिम बहुल पश्चिम परिसर के सैकड़ों नागरिकों को एवं कार्यकर्ताओं के साथ मनपा आयुक्त एवं प्रशासक प्रवीण आष्टीकर से निवेदन सौंपकर चर्चा की। जैसा बोले वैसा करे की नीति पर हमने महानगर पालिका अतिरिक्त आयुक्त देवीदास पवार साहब का निवेदन दिया और कॉरपोरेशन का घेराव किया था। हमने बताया था कि महानगर पालिका आयुक्त का घेराव करेंगे। विषय ये था कि पहला विषय यह है कि मुस्लिम बहुल पश्चिम परिसर के जितनी उर्दू शाला है, पर्टिकुलर उर्दू शाला उर्दू स्कूल लालखड़ी की 12 नंबर, उसके अलावा मुजफ्फरपुरे के उर्दू स्कूल 7 नंबर, उसके अलावा नालसापुरे के स्कूल, इन स्कूलों की हालत इतनी ख़राब है कि विद्यार्थियों गरीब विद्यार्थियों को मुस्लिम विद्यार्थियों को बैठने के लिए जगह नहीं है, इमारत नहीं है, बांधकाम नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है, डेस्क बेंच नहीं है, पढ़ने की मात्र सुविधाएं नहीं है, तो अब ये विद्यार्थी कहाँ पढ़ेंगे। दूसरा विषय ये था कि 2021-22 में जो शाले पोषण आहार का विद्यार्थियों के प्रति जो विद्यार्थियों को मिलने वाला खिचड़ी है, जो चावल था, उसके अंदर में भारी मात्रा में घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। इस चौकसी की मांगनी करी है और इसके अंदर में ये बताया गया है कि अगर इसमें जोशी शिक्षण अधिकारी और मुख्याध्यापक होते हैं तो तापड़तोप इन पर फौजदारी कार्रवाई की जाए, और शिक्षण अधिकारी होते हैं तो उन पर भी फौजदारी कार्रवाई करके अब तक की ली गई सेवानिवृत्ति की रकम वो उनसे वापस की जाए और उनकी सेवन पेंशन जो है बंद की जाए। तीसरा विषय यह था कि अमरावती शहर के महानगर पालिका हद में आने वाले जितने भी उर्दू हिंदी मराठी स्कूल है उनकी हालत बेकार खराब है, और वो उर्दू स्कूल के वो पूरी सभी स्कूलों का महानगर पालिका ने सही तरीके से विद्यार्थियों के प्रति कदम उठाना चाहिए, इमारतें दुरुस्त करनी चाहिए, शिक्षा शौचालय दुरुस्त करना चाहिए, शौचालय का निर्माण करना चाहिए, डेस्क बेंच देना चाहिए, उसके अंदर खेलने के लिए मैदान होना चाहिए। इस सारे बातों का बारीकी से अगर महानगर पालिका आयुक्त और शिक्षण विभाग ने सर्वे किया तो इनके सामने सारी हकीकत आएंगी। दूसरी बात, मैं शहर के जनप्रतिनिधि को बताना चाहता हूँ इसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि महानगर पालिका के स्कूलों के ऊपर दुर्व्यवहार क्यों, उनके ऊपर दुर्दशा क्यों, उनके ऊपर अन्याय क्यों, क्यों सर्वे नहीं किया जाता है, क्यों उनके ऊपर महानगर पालिका के स्कूलों के ऊपर तवज्जो नहीं दिया जाता है, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, कि विद्यार्थी जाएंगे कहाँ, मुस्लिम बहुल पश्चिम परिसर के विद्यार्थी कहाँ जाएंगे, कहाँ कैसा पढ़ेंगे, निजी स्कूलों और निजी विद्यालयों को उनके खुद के और कॉलेजों को विधानसभा में आवाज़ उठा करके अनुदान बुलाया जाता है भारी मात्रा में, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी क्यों, सरकारी स्कूलों की हालत सीधी अच्छी होना चाहिए, और गरीब का बच्चा और पर्टिकुलर मुस्लिम और जितने भी महानगर पालिका के स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी स्थिति उठाना चाहिए, ये मैं जनप्रतिनिधि को बताना चाहता हूँ। अन्यथा ऐसा नहीं होता है तो राजवीर संगठन के माध्यम से आने वाले दिनों में तीव्र आंदोलन होगा और इसकी संपूर्ण जवाबदारी शहर के जनप्रतिनिधि आयुक्त शिक्षण विभाग की होगी, ये हम बताना चाहते हैं। यह मामला राजवीर संगठन के माध्यम से संपूर्ण शहर भर में एवं महानगर पालिका गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। इस समय निवेदन देते वक्त राजवीर संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता एवं मुस्लिम बहुल पश्चिम परिसर के सैकड़ों नागरिक उपस्थित थे। विदर्भ न्यूज ब्यूरो अमरावती।